हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल एक्सलेंट कोचिंग चैप्टर फिनिश हो चुका है हमारा और ये है समरी चैप्टर की इसको मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं हमने इसमें सारी थेरेपीज़ कवर करी हैं साइकोथेरेपी में साइकोडाइनमिक कॉग्नेटिव थेरेपीज़ ह्यूमिनिस्टिक थेरेपीज़ उसके बाद हमने ग्रुप थेरेपीज़ पढ़ी थी ग्रुप थेरेपीज़ के बाद बायोमेडिकल थेरेपीज़ और अब इसके एम सी क्यूज़ हैं जो हमने कवर करने हैं तो एम सी क्यू शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन ललीसा इज गोइंग टू अ थेरेपिस्ट टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वट मेक्स अ डू द थिंग्स शी डज दिस टाइप ऑफ थेरेपी इज़ नोन एज डैश सो लेलीसा जो है वो थेरेपिस्ट के पास क्यों जाती है क्योंकि वो एक अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बेटर करना चाहती हैं वट मेक्स अ डू द थिंग्स शी डज़ तो वो ये अंडरस्टैंडिंग को बेटर कर रहे हैं कि वो जो भी काम करती है वो क्यों करती है इस टाइप से मतलब एक अपने ही बिहेवियर के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो जा रही हैं थेरेपिस्ट के पास तो इस चीज़ को हम बोलते हैं इनसाइड थेरेपी जिसमें हम अपने ही बिहेवियर की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए थेरेपिस्ट के पास जाते हैं क्वेश्चन नंबर टू इट वॉज डैश हु इज मोस्ट क्रेडिटेड विद द मॉरल ट्रीटमेंट मूवमेंट फॉर यूजिंग काइंडनेस एंड गाइडेंस विद द मैंटली इल तो इसका आंसर है फिलिप पिनेल जिन्होंने अपना पिनेल रिफॉर्म स्टार्ट किया था जिसमें उन्होंने मॉरल ट्रीटमेंट की बात की थी जो लोग मेंटली इल होते हैं उनके लिए क्वेश्चन नंबर थ्री द एक्चुअल कंटेंट ऑफ अ ड्रीम इज़ द डैश कंटेंट अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड तो जो एक्चुअल कंटेंट होता है ड्रीम का वो होता है मैनीफेस्ट कंटेंट और दूसरा जो हिडन कंटेंट होता है उसे लेटेंट बोलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर साइको एनालिस्ट में रिलाई ऑन द टेक्निक ऑफ डैश विच अलाउज द पेशेंट टू टॉक अबाउट एनीथिंग दैट कम्स टू माइंड तो साइको एनालिस्ट कौन सी टेक्नीक यूज़ करता है जिसमें पेशेंट वो हर चीज़ बोल सकते हैं जो उनके माइंड में आ रही है उसको बोलते हैं फ्री एसोसिएशन क्वेश्चन नंबर फाइव इन डैश अ पर्सन सेंटर थेरेपिस्ट मस्ट शो एन ऑनेस्ट एंड ओपन रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट एंड नॉट हाइड बिहाइंड द प्रोफेशनल रोल ऑफ अ थेरेपिस्ट तो पर्सन सेंटर थेरेपी में ये कह रहे हैं कि जो क्लाइंट है उसको अपना ऑनेस्ट और ओपन रिस्पॉन्स शो करना चाहिए ना कि मतलब अपने प्रोफेशनल रोल को अपने आप को एक प्रोफेशनल रोल थेरेपिस्ट के पीछे हाइड करना चाहिए तो इसमें ऑथेंटिसिटी आएगा कि ऑथेंटिसिटी मतलब अपने आप को अपने रियलिटी दिखाना अपने आप को ऑथेंटिक दिखाना चाहिए ना कि अपने आप को छुपा के रखना चाहिए अपने रोल के पीछे क्वेश्चन नंबर सिक्स जेस्ट्रॉल थेरेपी डिफर्स फ्रॉम पर्सन सेंटर थेरेपी बिकॉज पर्सन सेंटर थेरेपी जो रॉजर की थेरेपी है और जो जेस्ट्रॉल की थेरेपी है इनके बीच में आपस में डिफरेंस ये है कि जेस्टॉल थेरेपी जो है वो डायरेक्टिव है और पर्सन सेंटर थेरेपी नॉन डायरेक्टिव है तो सी है आंसर क्वेश्चन नंबर व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड प्रोबेबली गेट द लीस्ट बेनिफिट फ्रॉम अ थेरेपी थेरेपी से कौन से पर्सन को सबसे कम बेनिफिट होगा जो अपने फीलिंग्स uh, को अपने बातों में वर्डिंग वर्ड्स में नहीं बोल पाएगा वर्बली नहीं बोल पाएगा वन हु हैज़ हार्ड टाइम पुटिंग थिंग्स इन वर्ड्स इन अ लॉजिकल मैनर Question number eight. Megan was afraid of dogs. She wanted to get over his fear, so she began by thinking about seeing a dog but staying calm. Then she walked past a neighbor's dog in its fenced yard until she no longer felt afraid. Next, she visited a pet store and petted a dog while the sales clerk held it. Finally, she bought herself a puppy and was no longer afraid. Megan's method is most like तो मेघन अगर अपना जो डॉग्स का जो डर है वो निकालने के लिए उन्होंने एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करी है पहले उन्होंने क्या किया कि पहले उन्होंने इमेजिन किया कि वो डॉग है जो वो उनके सामने है तो वो देख के उनको थोड़ा सा डर लगता है लेकिन वो अपने आप को काम करने की कोशिश कर रही है फिर उसके बाद वो अपने नेबर के डॉग के पास से गई जो कि बंधा हुआ है फेंसड है फिर उनको वहाँ से जब वो निकली तो उसको थोड़ा सा लगा कि मेरे को अब डर कम लगता है डॉग से नेक्स्ट उन्होंने क्या किया एक लेवल और बढ़ाया वो पेट स्टोर में गई जहां पे को पेट किया मतलब जैसे पीछे हाथ हैं डॉग के वैसे तो उनको धीरे-धीरे मतलब है सिस्टमैटिक मसल रिलैक्सेशन का यूज करते हैं देन क्वेश्चन नंबर नाइन एक्सपोजर टू अड ऑब्जेक्ट इज रेपिड एंड इंटेंस रेदर देन स्लो एंड ग्रेजुअल इट इज़ कॉल फ्लडिंग जब भी हम एकदम बहुत ज़्यादा सडनली किसी चीज़ के सामने अपना किसी चीज़ को एक्सपोज कर देते हैं अपने आप को जिससे हमें बहुत डर लगता है वो एक तरीके की टेक्निक है हमारा डर निकालने की तो उसको बोलते हैं फ्लडिंग क्वेश्चन नंबर टेन कैरा सेट डाउन डॉटर मॉर्गन एंड टुगेदर दे रोट आउट लिस्ट ऑफ थिंग्स मॉर्गन वाज एक्सपेक्टेड टू डू ईच डे and the reward she would get if she accomplished them, as well as the penalties she would face if she did not do them. This is most like which technique? तो ये एक टेक्निक है बिहेवियर modification की जिसमें एक एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट में जैसे दोनों को बैठ के वो चीज़ें लिखनी होती है जो वो रोज़ करेंगे और उसके बदले में क्या रिवॉर्ड मिलेगा तो वो इसको बोलते हैं कंटीजेंसी कॉन्ट्रैक्टिंग क्वेश्चन नंबर इलेवन विच थेरेपी स्टाइल कैन बी कंपेयर टू अ ड्रिल सार्जेंट प्राइवेट स्टाइल ऑफ थेराप्यूटिक रिलेशनशिप तो इसमें जो रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी है ड्रिल सार्जेंट और प्राइवेट रिलेशनशिप मतलब जो सार्जेंट होते हैं जो नए लोग आर्मी ज्वाइन करते हैं जो जिनको प्राइवेट्स बोला जाता है जो थोड़े लो कैटेगरी के लो लेवल के जो वो होते हैं ऑफिसर्स होते हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप होता है जो सार्जेंट होते हैं वो उनको ड्रिलिंग मतलब उनको एक्सरसाइज और ड्रिलिंग वगैरह से आ, उनको तैयार करवाते हैं उनकी जो भी वीकनेस है उनको दूर करने में हेल्प करते हैं सेम ऐसा रिलेशनशिप हमें रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी में देखने के लिए मिलता है जब जो जो थेरेपिस्ट है वो सार्जेंट की तरह काम करते हैं और क्लाइंट प्राइवेट की तरह और थेरेपिस्ट उस क्लाइंट को हेल्प करता है अपने सेल्फ डिफीटिंग थाट्स को रिमूव करने में और पॉजिटिव थाट्स को बिल्ड करने में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री गोल्स ऑफ कॉन्ग्नेटिव बिहेवियरल थेरेपी तो कॉन्ग्नेटिव बिहेवियरल थेरेपी का जो पहला जो पॉइंट है हेल्पिंग अ क्लाइंट गेन इनसाइट ये इसका नहीं है क्योंकि ये इनसाइट थेरेपी नहीं है ये एक्शन थेरेपी है देन क्वेश्चन नंबर थर्टीन स्टीफन सी इज़ अ टेक्सट मैसेज फ्रॉम अ फोन नंबर ही डज नॉट रिकोगनाइज ऑन हिज गर्लफ्रेंड्स फोन

ये कह रहे हैं कि अगर स्टीफन ने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड के फ़ोन में किसी अननोन नंबर से मैसेज आया और उसने उसको डायरेक्टली कंक्लूड कर दिया है कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है और ये नंबर उसी का है तो इस टाइप की डिस्टॉर्टेड थिंकिंग को हम बोलते हैं ओवर जर्नलाइजेशन फिर उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ अ ग्रुप थेरेपी ग्रुप थेरेपी की डिसएडवांटेज क्या है क्लाइंट्स शेयर द थेरेपिस्ट टाइम ये प्रॉब्लम आती है कि क्लाइंट और थेरेपिस्ट की टाइमिंग अगर मैच ना करे तो क्लाइंट्स हाउ अदर पीपल हैव हैंडल दी प्रॉब्लम ये इसकी एडवांटेज है सोशल सपोर्ट भी एडवांटेज है इंटरेक्ट विद अदर सोशली भी एडवांटेज है दैन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन व्हेन कार्सन बिग एक्टिंग हर पेरेंट्स टू हर टू अ थेरेपिस्ट सजेस्टेड हर पेरेंट्स मे हैव कॉज दी प्रॉब्लम बाई यूजिंग द रोंग काइंड ऑफ डिसिप्लिन द काइंड ऑफ थैरेपी दैट माइट बेस्ट हेल्प कार्सन वुड प्रोबेबली बी तो यहाँ पे कार्सन जो है बिगैन एक्टिंग आउट मतलब कार्सन एक्टिंग आउट का मतलब है अगर वो कुछ गलत तरीके से बिहेव करते हैं या एंटी सोशल तरीके से या गलत बैड बिहेवियर शो कर रहे हैं उनके पेरेंट्स थेरेपिस्ट के पास ले गए हैं जहाँ पे थेरेपिस्ट बोल रहा है कि ये बिकॉज आपकी रॉन्ग पेरेंटिंग की वजह से ऐसा कर रहा है तो ये किस टाइप की थेरेपी में आएगा ये आएगा फ़ैमिली थेरेपी में सिक्सटीन क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्रॉब्लम इन स्टडिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ साइको थेरेपी तो इफेक्टिवनेस जब हम पढ़ते हैं साइकोथेरेपी में तो कौन सी प्रॉब्लम नहीं आती है ऑल थेरेपीज टेक द सेम अमाउंट ऑफ टाइम टू बी इफेक्टिव कंट्रोल ग्रुप्स हैव नो एक्सपेक्टेशंस अबाउट गेटिंग बेटर सम थेरेपीज मेजर सक्सेस डिफरेंटली आर नॉट ईजीली अवेलुएटेड दे आर मे बी एक्सपेरिमेंटल बायस नॉट वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इन स्टडिंग इफेक्टिवनेस ऑफ थेरेपी तो ये वाला जो पॉइंट है आंसर ए है जो इसका इसमें कह रहे हैं कि सारी थेरेपीज़ टेक द सेम अमाउंट ऑफ टाइम टू बी इफेक्टिव ये चीज़ गलत है क्योंकि कोई भी थेरेपी सेम टाइम नहीं लेती है हर थेरेपी अलग अलग टाइम लेती है साइकोडाइनमिक ज़्यादा टाइम लेती है बिहेवियर थेरेपी जल्दी हो जाती है इस टाइप से देन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है सिंडी इज अ वाइट अपर मिडिल क्लास ग्रेजुएट स्टूडेंट इन क्लिनिकल साइकोलॉजी डूइंग हर फर्स्ट इंटर्नशिप इन जुवेनाइल कोर्ट हर फर्स्ट क्लाइंट इज़ एन एंग्री फिफ्टीन ईयर ओल्ड एफ्रीकन अमेरिकन बॉय विच इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग माइड भी द बैरियर्स टू इफेक्टिव थेरेपी इन दिस सिचुएशन तो यहाँ पे कल्चर का फ़र्क आ रहा है कल्चर का फ़र्क कैसे आ रहा है कि एक तो वो वाइट है और ये अफ्रीकन है तो ब्लैक जैसे बोलते हैं हम uh, ब्लैक माना जाएगा अगर इसको वाइट बोल रहे हैं तो और ये अपर मिडिल क्लास है और यहाँ पे ये अफ्रीकन है अफ्रीकन यूजुअली इनको हम पुअर या मिडिल लोअर में ही लेते हैं आ, प्लस आ, इस तो ये जो है इनके कल्चर का फ़र्क है क्लास का फ़र्क है कम्युनिकेशन का फ़र्क है मतलब सारी चीज़ें ही हैं एक तरीके से बैरियर ऑल दीज बैरियर सब सब कुछ बैरियर हो सकता है सोशल क्लास भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कल्चरल वैल्यू सब कुछ बैरियर हो सकता है Then question number eighteen. When a person on a on an antipsychotic drug develops repetitively, repetitive involuntary jerks and movements of the face, lips, legs, and body is called uh, tardive dyskinesia. Question number nineteen. The use of anti-anxiety drugs to treat anxiety disorders is gradually being phased out in favor of treatment with. एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स क्योंकि एंटी एंगजाइटी के बहुत सारे साइड uh, इफेक्ट्स थे इसलिए एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स यूज होते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विच न्यूरो ट्रांसमीटर इज नॉट वन ऑफ द थ्री दैट सीम्स टू बी इन्वॉल्व इन डिप्रेशन एंड द ड्रग्स दैट ट्रीट द डिप्रेशन तो हमने तीन न्यूरो ट्रांसमीटर पढ़े थे उसमें एपी नहीं था ये नहीं इन्वॉल्व होगा तो ये आंसर है इसका नॉन एपी नफरीन इन्वॉल्व है सेरोटोनिन इन्वॉल्व है डोपामिन इन्वॉल्व है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन बिफोर द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सीजर्स वर इंड्यूस्ड इन साइकोटिक पेशेंट बाय द मीन्स ऑफ कैम्फर कैम्फर से सीजर्स करते थे जब ई सी टी टेक्निक जब यूज नहीं होती थी तो उससे पहले सीजर्स को हम कैम्फर से इंड्यूस करते थे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू इन बायोलेट्रल एंटीरियर सिंगुलोटोमी इसमें क्या किया जाता है अ थिन वायर इलेक्ट्रोड इज यूज टू डिस्ट्रॉय अ स्मॉल एरिया ऑफ ब्रेन टिश्यू एंड योर लास्ट क्वेश्चन एज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री वर्चुअल रियालिटी टेक्निक्स हैव बीन यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ़ द फॉलोइंग डिसडर्स तो वर्चुअल रियालिटी आजकल सारे डिसऑर्डर्स को ठीक करने में हेल्प करती है तो मोस्टली इसमें आ, फोबिया तो आते ही है फोबिया के थ्रू वो वर्चुअल रियालिटी के थ्रू फोबिया को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं और पी टी एस डी भी आता है मेनिया नहीं हो सकता है मेनिया इसमें क्योंकि वर्चुअल रियालिटी से मेनिया का कोई लेना देना नहीं है तो इसमें ए और सी आएगा दिस इज आंसर अब ये चैप्टर जो है आपका फिनिश हो चुका है जो इस बुक का लास्ट चैप्टर था थैंक्स फॉर वॉचिंग